टॉप 10 के स्पॉन्सर हैं RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए जानेंगे 5 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। 11 करोड़ की आबादी वाला एशियाई मुल्क फिलीपीन में मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड्स के यूनिफॉर्म में हिजाब की शमूलियत को मिली मंजूरी। खवातीन अहलकारों की हौसला अफजाई की गर्ज फिलीपीन कोस्ट गार्ड हुकाम ने मुस्लिम खवातीन को हिजाब पहनने की दी इजाज़त। फिलीपीन कोस्ट गार्ड में 200 से ज़ायद खवातीन है मौजूद। साउथ अमेरिकी मुल्क पेरू के सहराए नाजका में टूरिस्टों को ले जाने वाला एक प्लेन गिरकर तबाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के सबब 7 अफराद हो गए हलाक। तबाह होने वाले तैयारे में हॉलैंड और चिली के शहरी थे सवार। हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी। जलजले के झटकों से लरज उठे भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के कई हिस्से। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में 5.7 शिद्दत का जलजला। भारत के कश्मीर, दहली समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के शदीद झटके। 20 सेकंड तक हिलती रही जमीन, किसी के हलाकत की कोई इत्तला नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर पेश आए फायरिंग वाक़े पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पीर 7 फरवरी को पार्लियामेंट में बताएंगे मुकम्मल तफसीलात। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजमीन ने पुलिस को बताया कि वह सदर मजलिस की तमाम रैलियों में थे शरीक। मौका देखकर सदर मजलिस की गाड़ी पर कर दी फायरिंग। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले पर CM योगी का आया रद्दअमल। कहा, हम जमहूरियत में बैलेट पर एतमाद करते हैं, बुलेट पर नहीं। इस तरह का हादसा नाकाबिल कबूल। बताया, नज़रियाती तौर पर हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी से खिलवाड़ की किसी को भी इजाज़त नहीं। हर किसी को मिलना चाहिए तहफ़्फ़ुज़। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की 10वीं फहरिस्त। MIM UP सदर शौकत अली ने मजीद 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। अब तक मजलिस ने 10 फहरिस्त जारी करते हुए 73 यानी 73 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया ऐलान। 1993 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मामला। कई ममालिक में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय तहकीकाती एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई धमाकों का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द अबू बकर मुत्तहिदा अरब इमारात में गिरफ्तार। गुज़िश्ता 19 सालों से फरार अबू बकर को जल्द लाया जाएगा भारत। हैदराबाद के नामपल्ली में गुज़िश्ता रात अचानक फट पड़ा करंट ट्रांसफार्मर। बड़े पैमाने पर फैल गई आग। फैलती आग करीब के दरख्त और अपार्टमेंट तक पहुंच गई। अपार्टमेंट में रहने वालों में दौड़ गई खौफ की लहर। फायर इंजनों को तलब कर आग पर पाया गया काबू। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी। एक मखसूस इत्तला पर एयरपोर्ट कस्टम्स ने हैदराबाद से दुबई जाने की कोशिश कर रहे 2 मुसाफरीन के कब्जे से तकरीबन 38,60,000 रुपये मालियत की बैरूनी करेंसी की जब्त। करेंसी की स्मगलिंग का केस किया गया दर्ज। तेलंगाना में मौसम सरमा के अख्ताम से पहले तेलंगाना समेत हैदराबाद में एक बार फिर सर्दी की शदीद लहर की वार्निंग। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान टेम्परेचर में कमी यानी सर्दी में इजाफे की महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। टेम्परेचर में हो सकती है 2-4 डिग्री की कमी। ये थी BBN टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।